वेलकम टू विजडम कोचिंग एकेडमी। मैं इरफान सर, फिर हम जो है आगे का नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टडी करने वाले हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रोटेशनल डायनामिक्स का, 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स जो हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रोटेशनल डायनामिक्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने कम्प्लीट किया, और उसके बाद हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी जो है स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है, ऑब्जर्व किया हमने उस टॉपिक को। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान में रखिए। उसी टॉपिक से जो है रिलेट करते हैं, सर्कुलर मोशंस के कंसेप्ट है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि रोटेशनल मोशंस के लिए सर्कुलर मोशंस के कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, और आपको इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। देखो, फिजिक्स को अगर आपको क्लियर करना है, फिजिक्स को आपको इजी करना है, तो आपको फिजिक्स के पूरे कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। फिजिक्स का जितना आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, ध्यान में रखिए, आप अगर फिजिक्स को जो है समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो लाइफ के साथ, तो आपको फिजिक्स बहुत इजी जाएगा। फिजिक्स के अंदर सबसे पहले आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जनरली हर कोई क्या बोलता है कि फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। देखो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि फिजिक्स इतना ईजी नहीं है, फिजिक्स टफ है, फिजिक्स अच्छा टफ है, पर अगर हम उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें, देखो पूरे लॉस तो फिजिक्स के पूरा नेचर को अगर समझने हम बैठे तो जरूरी नहीं है कि पूरा समझ में आ जाए आपको, नहीं, कुछ पॉइंट जो है, कुछ टॉपिक और कुछ कॉन्सेप्ट जो है काफी हार्ड हो गए, आप नहीं समझ सकते। पर जो बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग से जाओ, इजी वे से जाओ, रिलेट करते जाओ लाइफ के साथ, तो आपका फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगा। और जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए फिजिक्स काफी इजी हो जाए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिजिक्स काफी अच्छे से समझ में आ जाए। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है, और जो है हम यूट्यूब पर हैं तो आपको जो है लाइक करना है हमारे वीडियोस को, इसको शेयर भी करना है आपके फ्रेंड के अंदर, आपके जो है और कोई अगर स्टूडेंट्स हैं आपके कांटेक्ट में उनको आप शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल्स को, और बेल आइकन भी जो है प्रेस कर दें। ओके, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो, इस कॉन्सेप्ट को हम वापस सर्कुलर मोशन के अंदर जाकर समझेंगे। क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है अलोंग द सर्कमफेरेंस है, अलोंग द सर्कमफेरेंस एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा कि यहाँ पर सेंटर से लेकर एक लाइन हम ज्वाइन कर देंगे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जो उसका इनिशियल पोजीशन है, तो ये हो गया रेडियस। रेडियस क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, पर आई होप आपको पता होगा। ओके, वेक्टर क्वांटिटी जो है डायरेक्शंस डिफाइन करेगा, स्केलर है तो ओनली मैग्नीट्यूड्स डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर आर हो गया, तो इसका डायरेक्शन क्या है, सेंटर टू ऑब्जेक्ट है, वेक्टर आर हो गया। अब देखो, यहाँ पर एक बात जो है ध्यान में रखना है कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर होगा तो उसको रिक्वायर्ड है, उसको मोस्ट रिक्वायर्ड होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट के पास सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है और वो सर्कुलर मोशन में है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ध्यान में रखें। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सर्कुलर मोशन है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो आप अगर सर्कुलर मोशन में देख रहे हैं तो वहां पर आपको जो है बोलना पड़ेगा, आपको वहां पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, इसी वजह से वो सर्कुलर मोशन के अंदर है। अगर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है और आप जो है कह रहे हैं सर्कुलर मोशन है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये मस्ट है, ये रिक्वायर्ड है उसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा सर्कुलर मोशन के लिए। हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो टेंजेंट होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट है, तो जब भी हम उसका पोजीशन चेंज करेंगे उस ऑब्जेक्ट का अलोंग द सर्कमफेरेंस, उसका लीनियर वेलोसिटी डायरेक्ट टेंजेंट जाएगा, मतलब चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये एक्सीलरेटेड मोशन है। अब इसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियस तो इस डायरेक्शन में चला गया, तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा उसका रेडियल एक्सीलरेशन, जो जाएगा टूवर्ड दी सेंटर, ध्यान में रखो सेंटर से बंधा हुआ है, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी होगा टूवर्ड दी सेंटर, तो ये सेंटर की तरफ जा रहा है, ये हो गया हमारा रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियस एंड रेडियल एक्सीलरेशन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन,
यहाँ पर हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा टुवर्ड द सेंटर जो काम कर रहा है, जो कि रियल फोर्स है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान में रखिए, जो टुवर्ड द सेंटर जा रहा है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी जो कि रियल क्वांटिटी है जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, सेंटर से बंधा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, दैट इज नथिंग बट ए मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पर नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, एक्सेलरेशन और रेडियस, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। रेडियस इस डायरेक्शन में, रेडियस इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, ध्यान में रखें। ओके, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है रेडियल एक्सेलरेशन, हो गया। अभी ये वैल्यू रेडियल एक्सेलरेशन की इक्वेशन में पुट कर दो, क्या मिलेगा, देन सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू या रेडियस, रेडियल एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ओके, देन सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो इसका जो डायरेक्शन होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा, ध्यान में रखिए। अब आपको मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा उसका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल से रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएगा, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएगा, वो होगा उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर एक बैंक कर्वर रोड है, मतलब एक सर्कुलर ट्रैक हम ले रहे हैं, रोड है जो सर्कुलर ट्रैक के फॉर्म में है, पूरा नहीं है पर थोड़ा बहुत है, समझो सर्कुलर ट्रैक के फॉर्म में, और एक बस उस ट्रैक के ऊपर से जा रही है, बैंकर रोड के ऊपर से जा रही है, और आप उस बस के अंदर खड़े हुए हैं, तो जब वो सर्कल पे से बस जाएगी, वो किसी भी वेलोसिटी के अंदर रहने दो, तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो आपको फील होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बाहर की तरफ खींच रहा है। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर होगा तो आउटसाइड एक फोर्स मिलेगा आपको, वो होगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान में रखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ आपको खींचेगा। आपने कभी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा आपकी लाइफ के अंदर, मतलब सर्कुलर ट्रैक के ऊपर आप जब जा रहे हो तो वहां पर आपको बाहर की तरफ एक फोर्स मिलेगा जो बाहर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेगा, वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैथमेटिकल टर्म्स क्या होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान में रखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू, अभी यहां पर रेडियस का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शंस, इफ रेडियल एक्सेलरेशन ले सकते हैं, बोथ आर इन सेम डायरेक्शंस, इसलिए यहां पर माइनस साइन नहीं होगा, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर डायरेक्ट इक्वेशंस ले लो m m ओमेगा स्क्वायर इनटू r वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड अगर हमने फाइंड आउट किया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, डायरेक्शन निकल जाएगा, एरो निकल गया, तो ये हो गया उसका डायरेक्शंस। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कैसा होगा, सेम होगा। देखो ना, अगर इसका डायरेक्शन निकाल दो देन सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, m ओमेगा स्क्वायर r, माइनस निकाल दिया तो माइनस था उसका डायरेक्शन, देखो दोनों का वैल्यू सेम हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज इक्वल्स टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये मिल गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन और उनके वैल्यूज, राइट, हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर समझो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर फील नहीं होगा कि आउटसाइड फोर्स मिल रहा है या फिर इनसाइड जा रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स उस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है उस टाइम पे क्या होगा कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है,
और दोनों का जो डायरेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन होगा और दोनों की जो वैल्यू होगी वो भी सेम वैल्यू होगी उस टाइम पे, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर है पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है तो उस टाइम पे क्या होगा कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा इस ऑब्जेक्ट पर वो जीरो होगा, वो फील ही नहीं करेगा ना, वो अंदर की तरफ जा रहा है ना बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर? ध्यान में रखिए, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। अगर समझो यूनिफॉर्म नहीं है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूसीएम है, ध्यान में आ रहा है, मतलब उसका जो लीनियर स्पीड जो होगा वो वेरिएबल होगा, मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल है, तो उस टाइम पे क्या होगा उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में चला गया, वो एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर होगा। और उस टाइम पे अगर ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म में है तो वहां पर उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो जाएगा, मतलब बाहर की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन हो गया है। क्लियर? उस टाइम पे उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ना सेम नहीं होगा, ध्यान में रखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स से अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है तो। ओके, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कीजिए और जो है बताइए, अगर टॉपिक समझ में नहीं आए तो हम वापस इसको रिपीट कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद लेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, जो कि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में भी हो, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, दूसरा है बैंक कर्व रोड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेहीकल अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। देखो यहाँ पर हमें दो पॉइंट जो स्टडी करना है, एक तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, दूसरा बैंक कर्व रोड है। देखो दो रोड है, एक हॉरिजॉन्टल रोड है, दूसरा है बैंक कर्व रोड। यहाँ पर सर्कुलर मोशन के जो स्फेरिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या हो गए वो हमें यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर जो है स्टडी करना है। ओके, क्लियर है? राइट, चलो जब हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के ऊपर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, तो ये हमारा एक कर्व सर्कुलर ट्रैक है, देखो, या फिर ये रोड है हमारा सर्कुलर रोड है, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा कि रोड के जो दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट कैसे हो गए, दोनों पॉइंट सेम हो गए, ध्यान में रखिए, रोड के दोनों भी पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट सेम लेवल पे, मतलब हॉरिजॉन्टल हो गए, मतलब इन दोनों के बीच में कोई इंक्लाइन नहीं है, एंगल नहीं तैयार हो रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गए हमारे रोड के दोनों पॉइंट। यहाँ पर जो हमारा व्हीकल है वो सर्कुलर ट्रैक के अंदर है, मतलब ये सर्कुलर मोशन के अंदर हमारा व्हीकल है, ध्यान में रखिए, हम क्या कर रहे हैं, इस व्हीकल का स्टडी कर रहे हैं जब वो सर्कुलर मोशन के अंदर है। अब आप बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर पूरा जो है सर्कुलर ट्रैक नहीं है पर कुछ पार्ट है सर्कुलर ट्रैक का, तो इसका अपन एक सेंटर होगा जो कि इमेजिनरी पॉइंट है, इमेजिनरी सेंटर ले रहे हैं, तो ये उसका इमेजिनरी सेंटर हो जाएगा उस रोड का, ध्यान में रखिए। बहुत इजी टॉपिक है, यहाँ पर आपको डायग्राम भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर डायग्राम देखकर आप समझ जाएंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक कैसा है, और जो है बैंक कर्व रोड के लिए भी आपको एक डायग्राम बताई जाएगी, वो डायग्राम में देखकर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी हुई है, देख लीजिए आप इस डायग्राम को, और इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए कि ये जो रोड है हमारा ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, मतलब रोड के दोनों भी पॉइंट कैसे सेम है, सर्कुलर तो है पर दोनों पॉइंट सेम रहने की वजह से हम वहां पर उसको बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर इसके जो फेरिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या हो गए, वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेगा जो सर्कुलर मोशन के अंदर फॉलो होते थे। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा व्हीकल, ही हमारा ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन के अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। ओके, और दूसरे जो फैक्टर्स इसके ऊपर काम करेंगे वो हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम जो है वर्टिकली डाउनवर्ड इसके ऊपर काम करेगा वो काम करेगा यमजी। ओके, जो कि वेट एक्ट करेगा इसके ऊपर, और इसका अपना एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, और नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, उसे नॉर्मल होगा जो कि अपोर डायरेक्शन में होगा। अब व्हीकल को अगर हम देखें तो व्हीकल ने रोड के नीचे जा रहा है ना रोड से ऊपर जा रहा है, तो मतलब क्या होगा कि इसका जो नॉर्मल है वो बराबर किसके हो जाएगा, यमजी के। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि यमजी दैट इज नथिंग बट नॉर्मल, मतलब दोनों बराबर है, दोनों का रिजल्टेंट जीरो मिल रहा है, ध्यान में रखें, बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये दोनों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बचा क्या, अब सर्कुलर मोशन जो सर्कुलर ट्रैक है हमारा, तो इस टायर में, टायर के अंदर रोड के अंदर फ्रिक्शन होगा,
ओके फ्रिक्शन हो रहा है। अब फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन भी फोर्स जनरेट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उस टाइम पे, स्टैटिक फ्रिक्शन ध्यान में रखे, वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही मेन रोल प्ले करेगा इसको सर्कुलर मोशन में रखने के लिए, ध्यान में रखिए। अब जब सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पर क्या होगा कि इस व्हीकल का जो स्पीड है वो वेरिएबल है, देखो ध्यान में रखिए, वेरिएबल स्पीड की वजह से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा और उसको बाहर लेकर जाने की कोशिश करेगा, मतलब व्हीकल बाहर जाएगा सेंटर से और उसको बांध कर रखने का काम करेगा, उसको एडजस्ट करने का काम करेगा, वो है फ्रिक्शनल फोर्स, ध्यान में रखिए फ्रिक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, मैं फ्रिक्शन को एफ एस बोलता हूँ और ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, आपको तो पता ही है अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स और ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी हमने अभी फाइंड आउट किया था, वो क्या था हमारा यंग ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसा इक्वेशन हमें मिला था, राइट हो गया। अब यहाँ पर देखो कुछ कंडीशन जो है अप्लाई करना पड़ेगा हमें, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कैसा होगा, वो एडजस्टेबल होगा, ध्यान में रखिए फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्टेबल है और फ्रिक्शनल फोर्स का अपना एक लिमिट है, वो लिमिट तक जाएगा उसके आगे वो नहीं जा सकता, ध्यान में रखिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है एडजस्टेबल है, वो एडजस्ट करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स भी कम कर लेगा अपने आप को, क्योंकि व्हीकल निकल जाए वहां से, फ्रिक्शनल अगर सुडो फोर्स बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बढ़ता है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का अपना एक लिमिट है, ध्यान में रखिए अगर वो लिमिट क्रॉस हो गया मतलब एक मैक्सिमम लिमिट है, अगर वो क्रॉस अगर होता है, अगर वो क्रॉस अगर होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए और इससे भी बहुत ज्यादा हो जाए तो वो एडजस्ट नहीं कर सकता, मतलब व्हीकल आपका ट्रैक से बाहर निकल जाएगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा हो गया उस टाइम पे। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या हुआ, तो यहाँ पर हम बोल सकते स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर और इक्वल, ध्यान में रखें ग्रेटर और इक्वल को कितना होना चाहिए, इस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, या फिर आप इक्वेशन ऐसा लिखो जो हमने ऑलरेडी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर इक्वेशन लिया था, या फिर मैं साइड में आपको बता देता हूँ इक्वेशन का आंसर आया, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, या फिर डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, द फ्रिक्शनल स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ ग्रेटर और इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेशन क्या था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज इक्वल टू यम ओमेगा स्क्वायर आर, सिंप्लीफाई करो क्या मिलेगा यम एज बी, या फिर इस इक्वेशन को ओमेगा के टर्म से, ओमेगा इज समथिंग बट क्या होगा वी बाय आर, ये ओमेगा का इक्वेशन होगा एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर पुट करो इस इक्वेशन में क्या मिलेगा यम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू आर, आर आर के कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या मिल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज इक्वल टू एमवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये यहाँ पर पुट कर रहे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एमवी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कंडीशन ध्यान में रखिए ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होंगे, अगर समझो इसका जो लिमिट है ये मैक्सिमम वैल्यू है इसका, ठीक है, एक तो ग्रेटर होगा या फिर इसके इक्वल होगा, अगर कंडीशन ऐसा अगर जनरेट होता है, कंडीशन अगर ऐसा जनरेट होता है, देखिए आप कि फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन और इक्वल, लेस देन ही दो इक्वल मत दो, लेस देन तो mv स्क्वायर r, मतलब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन से, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो हमारा व्हीकल है वो सर्कुलर ट्रैक में नहीं होगा, मतलब रोड से बाहर निकल जाएगा, अब अगर कितने भी कोशिश करो तो रोड पर नहीं होगा और रोड से निकल जाएगा, क्योंकि उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो बहुत कम हो गया उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, ओके क्लियर। तो कंडीशन यहाँ पर हम इसे अप्लाई करते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नॉर्मल,
वो बराबर होगा उसके नॉर्मल के, और यहां पर इसका अगर कांस्टेंट हम डिफाइन करें तो कांस्टेंट क्या होगा, द कांस्टेंट ईयर स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज नथिंग बट म्यू इनटू ईयर। म्यू क्या है, द कोएफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस, म्यू कोएफिशिएंट्स होगा स्टैटिक फ्रिक्शंस का। ये हमेशा जो है इक्वेशंस मिल जाएगा, इस वैल्यू को इस इक्वेशंस में पुट करो, इसको यार एक इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, यहां पर बोलेंगे पुट इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, देन fs, fs इज नथिंग बट mu हियर, mu इज ग्रेटर और इक्वल mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो n पता है n किसके बराबर होगा, n बराबर होगा mg के, तो यहां पर हम लिख सकते हैं mu mg ग्रेटर और इक्वल दैट mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। नाउ अगेन सिंपलीफाई दिस इक्वेशन, mm गेट कैंसिल, m को कैंसिल कर सकते हैं अगर इसको इक्वल टर्म में ले लो, या फिर ऐसा लिखो इसको, ये सिचुएशन तो आपको समझ में आ गई कैसा है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं म्यू एम जी दैट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, समझे इक्वल है, इक्वल है, तो यहां पर एम एम कैंसिल हो जाएगा और यहां पर इक्वेशंस क्या मिलेगा, देन म्यू जी दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। नाउ अगेन सिंपलीफाई दिस इक्वेशंस, उसको और सिंपलीफिकेशन अगर करें तो इक्वेशंस क्या मिलेगा, दिस पी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू म्यू आर जी, देन पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, ऐसा हमें सिचुएशन मिल जाएगा। और ये जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के ऊपर वेलोसिटी इतना होना चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके okay?